हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम ट्यूशन इनकम के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पता किया तो मुझे कुछ जानकारी मिली। गाइस होम ट्यूशन इनकम के लिए फॉर्म भरने का कुछ तरीका पता चला। गाइस नॉर्मली जब आप कई बार इनकम टैक्स के जो टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे तो आपके पास कई अलग अलग तरह के एग्जीक्यूटिव आएंगे। गाइस वो अपनी अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब गाइस इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पर भी कई वीडियो देखे, बट दोस्तों यूट्यूब पर देखा कि कुछ भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो दोस्तों मैंने सोचा चलिए आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए देखिए क्या है, आप आईटीआर नंबर 1, आईटीआर नंबर 3 और आईटीआर नंबर 4 फॉर्म भर सकते हैं। इनमें से कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपकी इनकम बहुत कम है, मान लीजिए 20-30 हज़ार 40-50 हज़ार रुपये है, तो आप क्या कर सकते हैं, आईटीआर 1 फॉर्म में जो अदर सोर्सेस इनकम होती है वहाँ पर आप अपनी इनकम को दिखा सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी इनकम मान लीजिए बहुत ज़्यादा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आईटीआर 3 या फिर आप आईटीआर 4 के जरिए अपनी इनकम को शो कर सकते हैं। तो गाइस आईटीआर फॉर्म भरने का जो मैंने आपको डिटेल बताया जिसमें आप होम ट्यूशन इनकम के लिए आईटीआर भर सकते हैं, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए शुक्रिया।